अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन द ब्लैंकेट कंबल, जिसके राइटर हैं फ्लोइड डेल। और इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे द ब्लैंकेट लेसन का पार्ट टू। पीटर सेट एंड लुक्ड आउट ओवर द वैली। पीटर बैठ गया और उसने वादी पर नज़र दौड़ाई। डैड वुड मैरी दैट गर्ल, के उसके जो वालिद हैं वो उस लड़की से शादी करेंगे। यस, हाँ, दैट गर्ल, वो लड़की, हु हैड किस्ड हिम एंड हु हैड सेड शी वुड ट्राई टू बी अ गुड मदर टू हिम एंड ऑल दैट, कि वो लड़की जो कि पीटर का मुंह चूमती है और उसे कहती है कि वो उसकी अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश करेगी और वो सब कुछ। द ट्यून स्टॉप्ड सडनली एंड ग्रैंड डैड सेड, वो जो धुन है वो अचानक ही रुक गई और दादा ने कहा, इट्स अ पुअर ट्यून एक्सेप्ट टू बी डांसिंग टू, कि ये एक बहुत ही ख़राब धुन है सिवाय इसके कि इस पर डांस किया जाए या रक्स किया जाए। एंड देन, और फिर, इट इज़ अ फाइन गर्ल योर फादर्स गोइंग टू मैरी, कि ये वाकई ही वो एक अच्छी लड़की है जिससे तुम्हारे वालिद शादी कर रहे हैं। मतलब अब यहाँ पे फिर वो दोबारा ग्रैंड डैड जो है वो पीटर को समझाने लग गए हैं। ही विल फील यंग अगेन विद अ प्रीटी वाइफ लाइक डैट, कि वो ऐसी खूबसूरत बीवी के साथ दोबारा अपने आप को फील यंग करेंगे, यानी कि जवान महसूस करेंगे। एंड व्हाट वुड एन ओल्ड फेलो लाइक मी डू अराउंड द हाउस, कहता है, और फिर जो है मुझ जैसा बूढ़ा आदमी जो है वो घर के इर्द गिर्द क्या करेगा। गेटिंग इन द वे, उनके जो है दरमियान आएगा या रुकावट बनकर। एंड वो ओल्ड फूल, के एक बूढ़ा अहमक, विद ऑल द टॉक अबाउट बैकेज एंड पेन, कि जो सिर्फ जो है बूढ़ा आदमी जो सिर्फ कमर दर्द और अपनी तकलीफ उनकी बातें करेगा। एंड देन, और फिर, देयर विल बी बेबीज कमिंग, कहता, और फिर बच्चे आ रहे होंगे। एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी अराउंड लिसनिंग टू देन क्राई ऑल आवर्स ऑफ द नाइट, कहता है, और फिर मैं पूरी रात जो है कि उनका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा, यानी कि मैं उनका रोना नहीं सुनना चाहूँगा। इस तरह कहकर जो ग्रैंड डैड हैं वो पीटर को तसल्लियाँ दे रहे हैं। नो, बिल्कुल भी नहीं, इट्स बेस्ट डैट आई लीव, कहता है कि ये सबसे अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। वेल, ठीक है, वन मोर ट्यून और टू, कहता है, दादाबू कहते हैं कि अब एक या एक से ज़्यादा या दो धुने, एंड देन वी विल गेट टू बेड, और इसके बाद हम बिस्तर पे जाएंगे, गेट सम स्लीप, और थोड़ी सी हम नींद पूरी करेंगे या हम कुछ सोएंगे। इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, आई विल गेट माई न्यू ब्लैंकेट एंड टेक माई लीव, कहते हैं कि सुबह मैं अपना कंबल लेकर यहाँ से चला जाऊँगा या रुखसत हो जाऊँगा। लिसन टू दिस, कहते हैं, ये गौर से सुनो, इट इज़ अ बिट ऑफ अ सैड ट्यून, कि ये बहुत ही उदास धुन है, बट अ नाइस वन, लेकिन एक उम्दा धुन भी है, फॉर अ नाइट लाइक दिस, कि इस तरह की रात के लिए एक बहुत उम्दा धुन भी है, ये उदास तो है लेकिन अच्छी भी है। They did not hear the two people coming down the road. उन्होंने रोड की तरफ से आते हुए दो लोगों की आवाज़ नहीं सुनी थी, वही दो लोग, यानी कि उसके डैड और वो वुमेन, क्योंकि वो बाहर गए हुए थे, अब वो वापस आ रहे हैं, तो इन्होंने आवाज़ नहीं सुनी उन दोनों की। डैड एंड द प्रीटी गर्ल विद अ हार्ड ब्राइट फेस लाइक अ डॉल, डैड और वो लड़की जिसका चेहरा एक गुड़िया की तरह सख्त और चमकदार था, वो दोनों आ रहे थे। बट दे हियर्ड हर लाफ एंड द ट्यून स्टॉप्ड सडनली, फिर क्या हुआ, दे हियर्ड के उन दोनों ने हियर्ड हर लाफ, के उसके लड़की के
हंसने की आवाज़ सुनी और उनकी जो ट्यून है वो जो धुन बजा रहे थे वो अचानक से स्टॉप्ड हो गई यानी कि रुक गई। डैड डिड नॉट से अ वर्ड, डैड ने एक लफ्ज़ ना कहा। बट द गर्ल वॉक्ड अप टू ग्रैंड डैड, लेकिन वो जो लड़की है वो दादाबू के पास आई एंड सेड और कहा प्रीटीली और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बोली, आई विल नॉट बी सीइंग यू इन द मॉर्निंग, के सुबह जो है मैं आपसे नहीं मिल सकूंगी, सो आई केम ओवर टू से गुड बाय, तो लिहाजा मैं यहाँ पर आपको खुदा हाफिज कहने के लिए आई हूँ। इट्स काइंड ऑफ यू, ये आपकी मेहरबानी है, सेड ग्रैंडडैड, दादा अबू ने कहा, लुकिंग डाउन एट द फ्लोर, फर्श पर देखते हुए, एंड देन और फिर, सीइंग द ब्लैंकेट एट हिज फीट, और कंबल जो है उसने उसके पाँव पर पाँव के पास पड़ा हुआ देखा, मतलब उस लड़की के, ही बेंड डाउन टू पिक इट अप, ही बेंड डाउन मतलब दादा अबू झुके वो कंबल को ऊपर उठाने के लिए, एंड विल यू लुक एट दिस, ही सेड साउंडिंग हिमसेल्फ लाइक अ लिटिल बॉय, और फिर दादाबू ने क्या किया कि जब वो कंबल उठाने के लिए नीचे झुके तो उन्होंने कहा अब उस लड़की को कि एंड विल यू लुक एट दिस, क्या आप ये देखेंगी, ही सेड साउंडिंग, और उनकी जो आवाज़ थी ना वो लग रही थी लाइक अ लिटिल बॉय, बिल्कुल ही छोटे लड़के की आवाज़ की, इज नॉट दिस अ फाइन ब्लैंकेट माई सन हैज़ गिवन मी टू गो अवे विद, कि क्या ये वाकई ही एक ऐसा उम्दा कंबल नहीं है जो कि मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट दिया है गो अवे विद, कि जिसको लेकर मैं यहाँ से जाऊँगा। डैड क्लियर्ड हिज थ्रॉट, डैड ने अपना गला साफ किया, आई इस तरह बोलते हुए ठहर ठहर के, आई वॉन्टिड हिम टू हैव द बेस्ट, कहते हैं कि मैं जो है इन्हें बेहतरीन चीज़ देना चाहता था। द गर्ल स्टूड देयर, लड़की जो है वहाँ खड़ी रही, स्टिल लुकिंग एट द ब्लैंकेट, और अभी भी वो कंबल को देख रही थी। इट्स अ डबल वन टू, कि हाँ वाकई ये तो दोहरा कंबल भी है, यस हाँ, द ओल्ड मैन सेड, बुरे आदमी ने कहा, इट्स अ डबल वन, कि ये दोहरा कंबल है, अ फाइन ब्लैंकेट फॉर एन ओल्ड फेलो टू बी गोइंग अवे विद, कि वाकई ही ये एक बूढ़े आदमी के लिए जाते वक्त का बहुत ही बेहतरीन तोहफा है। द बॉय सडनली वॉक्ड इन टू द हाउस, अब लड़का यानी कि वो जो पीटर है वो अचानक ही घर के अंदर चला गया। ही कुड हियर द गर्ल, वो अभी भी लड़की को सुन सकता था, स्टिल टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसिव ब्लैंकेट, जो कि कंबल के महंगे कंबल के बारे में बातें अभी तक कर रही थी, यानी कि कह रही थी ये बहुत महंगा कंबल ले लिया है, इतना डबल कंबल लेने की क्या ज़रूरत थी। ही हियर्ड हिज डैड गेट एंग्री इन हिज स्लो वे, उसने सुना कि उसके डैडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की पर गुस्सा कर रहे हैं। एंड नाउ, और अब शी वॉज लिविंग, वो जा रही थी। एज पीटर केम आउट, जो ही पीटर बाहर आया, द गर्ल टर्नड, लड़की जो है वो मुड़ी, एंड कॉल्ड बैक, और पलट कर बोली, नो मैटर व्हाट यू से, कोई कि तुम जो कुछ भी कहो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ही डज नॉट नीड आ डबल ब्लैंकेट, फिर भी उन्हें जो है ना वो मतलब दादाबू को एक डबल कंबल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। डैड लुक्ड एट हर विद अ फनी लुक इन हिज आइज, डैड ने उसकी तरफ थोड़ा मतलब फनी लुक मतलब मुजैका खेज नज़रों से देखा। शी इज़ राइट, वो ठीक कह रही है, डैड डैड द बॉय सेड, यानी कि लड़के ने या पीटर ने कहा, ग्रैंड डैड डज नॉट नीड अ डबल ब्लैंकेट, कि दादा अबू को दोहरे कंबल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हेयर डैड, यहाँ पर डैड ये देखें, एंड ही हेल्ड आउट अ पेयर ऑफ सीजर, तो वो कैंची का एक जोड़ा लेकर बाहर आया, कट इट, काट दें, डैड कट इट, डैड इसे काट दें, डैड कट द ब्लैंकेट इन टू, के इस कंबल को दो हिस्सों में काट दें,
Both of them looked at the boy surprised. वो दोनों जो हैं हैरान परेशान होकर उस लड़के को उन दोनों ने देखा. Cut it in two. कहता है कि इसे दो हिस्सों में काट दीजिए. मैं आपसे कहता हूँ. And keep the other half. और कहता है दूसरे टुकड़े को हम संभाल कर रखिए या हम उसे संभाल कर रखेंगे. That's not a bad idea. कहता है ये वाकई ही एक बुरा ख्याल नहीं है. Said granddad gently. तो दादाबू ने भी नरमी से या आहिस्ता से कहा. I don't need a such a big blanket. कि मुझे वाकई ही इतने बड़े कंबल की ज़रूरत नहीं है. Yes, the boy said. हाँ, लड़के ने कहा. A single blanket is enough for an old man where he has sent away. कहता है कि ये जहाँ पर इनको बूढ़े आदमी को भेजा जा रहा है ना, वहाँ के लिए इनके पास ये एक सिंगल कंबल ही काफ़ी है. वी विल सेव द अदर हाफ. कहता है वो जो दूसरा बाकी का आधा है ना, हम उसे संभाल कर रखेंगे. डैड अपने फादर को बुलाकर मुखातिब करके कह रहा है. इट विल कम इन हैंडी लेटर. कहता है कि ये हमारे बाद में काम आएगा या कारामद होगा. नाउ वट डू यू मीन बाई दैट, asked dad. वालिद ने पूछा, डैड ने पूछा कि ये बात कहने से तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम उस कंबल को संभाल के रखोगे और बाद में वो तुम्हारे काम आएगा. आई मीन मेरा मतलब है, said the boy slowly, लड़के ने आहिस्ता से कहा, that I will give it to you, कि मैं जो है ना वो आपको दूंगा डैड, के when you are old, कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे, and I am sending you away, और मैं आपको रुखसत कर रहा होऊंगा या मैं आपको भेज रहा होऊंगा यहाँ से दूर. There was a big silence. वहाँ गहरी खामोशी थी. And then dad went over to granddad. और फिर dad जो हैं वो दादा के पास गए. And stood before him. और उनके सामने खड़े हो गए. Not saying a word. एक लफ्ज़ भी उनसे नहीं कहा. बट ग्रैंड डैड अंडरस्टूड. लेकिन दादा जान जो हैं वो समझ गए. फॉर ही पुट आउट हिज हैंड एंड ही लेड इट ऑन डैड्स शोल्डर. उन्होंने क्या किया कि अपना जो हाथ है वो आगे बढ़ाया और डैड के कंधे पर रख दिया. पीटर वॉज वॉचिंग देम. पीटर ने उन्हें गौर से देखा. एंड ही हियर्ड ग्रैंड डैड विस्पर. और उसने जो ग्रैंडडैड है उसकी सरगोशी भी उनकी सुनी सॉफ्टली, जो कि आहिस्ता से कह रहे थे इट्स ऑल राइट, के सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर ये कि कोई बात नहीं. इट्स ऑल राइट सन, कोई बात नहीं बेटा. आई न्यू यू डिड नॉट मीन इट, कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मतलब ये नहीं था. एंड देन पीटर क्राइड. और फिर पीटर रो पड़ा, क्योंकि पहले तो वो रो नहीं रहा था. कह रहा था कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है कि मैं अब रो भी नहीं सकता. लेकिन अब यहाँ पर आकर पीटर रो गया, रो पड़ा. और वो क्यों रोया? बट इट डज़ नॉट मैटर. लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. बिकॉज क्योंकि ऑल थ्री वर क्राइंग टुगेदर. क्योंकि वो तीनों जो हैं वो इकट्ठे अब रो रहे थे. यानी कि पीटर, डैड और ग्रैंड डैड तीनों ही स्टोरी के एंड पे रो रहे थे. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लेसन द ब्लैंकेट कंप्लीट होता है.